मेघाली फेवरेट कॉर्नर और मैं हूँ मेघाली। तो पहले हम बनाएंगे गिलोई टी। इसके लिए आप फ्रेश गिलोई के स्टेम से 2 या 3 इंच का टुकड़ा ले लीजिए। इसके ऊपरी तरफ एक पतला सा लेयर होता है, एक स्किन होता है, उसे आप इस तरह निकाल लीजिए। इस तरह ऊपर का लेयर निकाल के साफ कर लीजिए और इसे अच्छे से कूट लीजिए। और अभी एक पैन में 1 कप पानी डाल के 2 या 3 मिनट के लिए उबाल लीजिए, क्योंकि ये टी है और इसीलिए हम इसे ज़्यादा नहीं उबालेंगे। तो ये टी पूरा बॉयल हो गया है, अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और छान लेंगे। इधर हम मिलाएंगे 1 टीस्पून हनी। कोई भी हेल्दी पर्सन इस टी को रेगुलर पी सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और ये रेडी है पीने के लिए। अभी हम फ्रेश गिलोय से बनाएंगे गिलोय का काढ़ा। तो मैंने यहाँ 10 से 11 इंच का एक गिलोय का स्टेम ले लिया है। अभी इसे छोटे टुकड़े में काट लिया है, क्योंकि इसकी जो ऊपर का छिलका रहता है, स्किन रहता है, वो निकालने के लिए आसानी हो। इस तरह छुरी से आसानी से ऊपर का स्किन निकल जाता है। तो इन सबको हमने साफ कर लिया है, अभी इन्हें भी आप अच्छे से कूट लीजिए। इन सभी को कूट लेने के बाद एक पैन में 2 ग्लास पानी आप ले लीजिए और इसी पानी में ये गिलोई उबलेंगे जब तक पानी 1/4 न बच जाए। पहले बताई गई टी से ये काफी गुना हार्ड होती है, क्योंकि ये काढ़ा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और काफी सारी बीमारियों में इसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इस काढ़े को बनाने के समय हम इसमें तुलसी, अदरक, हल्दी और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अभी 1/4 पानी मतलब 1/4 ग्लास ऑफ वाटर बच गया है। अभी काढ़ा रेडी हो गया है, अभी इसे छान लेंगे। क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, तो आप इसमें हनी मिला के भी पी सकते हैं। अभी क्वाथ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पतंजलि का गिलोई क्वाथ का पाउडर। मार्केट में ये गिलोई क्वाथ के नाम से मिल जाता है। अलग अलग ब्रांड के गिलोई के पाउडर क्वाथ मिल जाते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। गिलोई स्टेम से बना हुआ ये गिलोई का क्वाथ इस तरह दिखता है। फ्रेश गिलोई यूज करने के लिए दिक्कत होती है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो क्वाथ को बनाने के लिए हम पैन में लेंगे 2 ग्लास पानी और इसमें 1 टेबल स्पून क्वाथ का पाउडर हम डाल देंगे और हम इन्हें तब तक बॉयल करेंगे जब तक पानी 1/3 न बच जाए। ये काढ़ा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ हर तरह के फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है और सर्दी खांसी से लेकर सभी तरह के एलर्जी में ये इफेक्टिव है। तो ये जब 1/3 बच जाए तो इसे छान लीजिए और इसको गरम गरम ही पीना होता है। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करिएगा और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर दबाइएगा और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहीं से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई आइडियाज के साथ, कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।